दोस्तों 2023 में बहुत सारी वेब सीरीज रिलीज कर दी गई हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे हिंदी वेब सीरीज के बारे में जिसमें आप कुछ ऐसे दरिंदों को देख पाएंगे जिनके दिल में रहम नाम की चीज ही नहीं है और वो क्राइम करना बहुत ज्यादा पसंद भी करते हैं। तो आज कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग और शानदार हिंदी वेब सीरीज के बारे में जानेंगे और ये सभी वेब सीरीज 2023 की सबसे बेस्ट वेब सीरीज में गिनी जाती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इन वेब सीरीज के बारे में। ई बताओ, तुम्हारी मटकनी भाभी का मटका इतना बड़ा बड़ा कैसे है? अरे तुमको कैसे पता चला? अरे वो हम सुने हैं ना, पूरे गांव में तुम्हारी मटकनी भाभी के मटके के बारे में बहुत बोलते हैं। नंबर वन, इंस्पेक्टर अविनाश। वेब सीरीज बेस्ट है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। वेब सीरीज की स्टोरी शुरू होती है इंस्पेक्टर अविनाश से, जो कि उत्तर प्रदेश से किसी भी तरह से क्रिमिनल्स का सफाया कर देना चाहता है और वो अपने इस मकसद को किस तरह से कामयाब करता है यही दिखाने की कोशिश की जाएगी इस कम्प्लीट सीरीज में। वेब सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं जियो सिनेमा पर और इसे IMDB रेटिंग देती है 10 में से 8 की। शिव जी के भगत हैं और ये मानते हैं कि फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। महादेव नाना पड़े। नंबर टू, पुली मेका। वेब सीरीज बेस्ट है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। वेब सीरीज की स्टोरी शुरू होती है एक ऐसे किलर से जो कि सिर्फ पुलिस वालों को ही मार रहा होता है, लेकिन असल में वो सिर्फ पुलिस वालों को ही क्यों मार रहा होता है ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को एक बार जरूर देखना चाहिए। वेब सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं G5 पर और इसे IMDB रेटिंग देती है 10 में 6.4 की। किरण, नीकु 72 आवर्स टाइम इस्तेमाल। Catch the bastard. Deal chasing cases. Settlements only check change. Any doubts? नंबर तीन, व्यवस्था। वेब सीरीज बेस्ट है सस्पेंस एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। वेब सीरीज की स्टोरी शुरू होती है एक ऐसी लड़की से जो कि एक फेक क्राइम के केस में अंदर चली जाती है, यानी कि पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन किसी भी तरह से एक वकील उसे छुड़ाना चाहता है और लास्ट तक वो अपने इस मकसद को किस तरह से कामयाब करता है यही दिखाने की कोशिश की जाएगी इस कम्प्लीट सीरीज में। वेब सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं G5 पर और इसे IMDB रेटिंग देती है 10 में से 6.3 की।